अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम अपना न्यू काम स्टार्ट करेंगे। आपने अपना ऑनलाइन टेस्ट कर लिया। टेस्ट करने के बाद आज आपकी फ़र्स्ट क्लास है। अगेन विल स्टार्ट अवर न्यू स्टडीज़। अब हम दोबारा से अपनी ऑनलाइन क्लासेज स्टडी स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपको जो काम सिखाऊंगी, जो आपको काम बताऊंगी, टुडे आई विल टीच यू अबाउट अ पैसेज। इट्स अ काइंड ऑफ पैसेज। आज मैं आज आपको एक पैसेज पढ़ाऊंगी, रीड करवाऊंगी, देन आई विल आस्क सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द पैसेज। सो यू हैव टू गिव द आंसर। आपने क्या करना है, पैसेज को केयरफुली मेरे साथ पढ़ना है, सुनना है, एंड देन देयर इज आंसर आफ्टर दैट पैसेज। तो लेट्स गो स्टार्ट। ओके, फर्स्ट आई विल शो यू सम पिक्चर्स। देयर इज अ सारास गार्डन। सारा इज अ स्मॉल गर्ल एंड शी Look, she's Sara. Sara is a small girl and this is Sara's garden. Sara lives with his parents in Peshawar. She lives in Peshawar with her parents and this is her garden. In her house there is a small garden, small and beautiful garden in her house. She has a garden. The garden has many flowers. In the garden there are many flowers, but rose, lily and some flowers one of them. And their grandparents help her to look after the garden. Ye Sara hai. Sara ka ek small sa garden hai. Look, she is Sara. Sara ka ek chota sa garden hai aur wo apne garden ki bahut zyada care karti hai. She give the water to plants and she take care of her garden. उसके parents भी उसकी help करते हैं and grandparents उसकी help करते हैं। उसकी grandmother, उसकी grandfather जो हैं वो उसकी साथ help कराते हैं to take care of the garden. Okay, and she lives with her parents in Peshawar. अच्छा, अब मैं आपको ये एक paragraph, जो मैंने ये थोड़ी सी story आपको बताई है, now I will give you brief description. मैं आपको briefly बताऊँगी। ओके, आपने मेरे साथ पढ़ना है। ओके, माय नेम इज़ सारा। आई लिव विद माय फैमिली इन पेशावर। क्या बताया मैंने आपको? माय नेम इज़ सारा। आई लिव विद माय फैमिली इन पेशावर। देयर इज़ अ स्मॉल ब्यूटीफुल गार्डन एट माय हाउस एंड माय पेरेंट्स कॉल इट सारास गार्डन। माय पेरेंट्स कॉल इट सारास गार्डन। रोज, लिली एंड सनफ्लावर आर सम ऑफ देम। ये जो फ्लावर्स हैं, इट्स अ नेम ऑफ फ्लावर्स विच सारा हैव। सारा के गार्डन में कौन कौन से फ्लावर्स हैं? रोज, लिली एंड सनफ्लावर। माई ग्रैंड फादर टेक केयर ऑफ माई गार्डन। माई ग्रैंड फादर टेक केयर ऑफ माई गार्डन। आई ऑल्सो हेल्प माई ग्रैंड मदर। I also help my grandmother to water the plants. It's me. It's the whole story about the Sara's garden. Sara garden ki ek whole story hai. Aapne in the end I will give you some questions. Main aapko kuch questions bataungi and then you will give me the answer. मैंने अगेन आपको बताना है। शी इज़ सारा एंड सारा इज़ अ स्मॉल गर्ल। शी लिव्स विद हर पेरेंट्स विद हर फैमिली इन पेशावर। शी लिव्स इन पेशावर विद हर पेरेंट्स। ओके, एंड दिस इज़ सारास गार्डन। जिसके घर में एक स्मॉल सा गार्डन है, हर पेरेंट्स गिव द नेम टू द गार्डन सारास गार्डन। ओके, नाउ आई विल आस्क द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस पैसेज। अच्छा, इट्स पैसेज से रिलेटेड आई विल आस्क सम क्वेश्चंस। अगेन आई विल रीड द यूनिट। माय नेम इज सारा। आई लिव विद माय फैमिली इन पेशावर। देयर इज स्मॉल ब्यूटीफुल गार्डन एट माय हाउस। माय पेरेंट्स कॉल इट सारास गार्डन। रोज, लिली, सनफ्लावर आर वन ऑफ देम फ्लावर्स। ओके, माय ग्रैंडफादर टेक केयर ऑफ माय गार्डन। I also help my grandmother to water the plants. Okay, now I will give some questions to you related to the passage. सबसे पहले हमारा question है, where does Sara live? Okay, आपने मुझे इन questions के answer बताने हैं। आपने मुझे बताना है where does Sara live? Okay, the answer is hidden. The answer is in the passage. आपने passage में से ही answer बताना है. Okay, the answer is very much easy. Where does Sara live? Yes, she lives in Peshawar. She lives in Peshawar with her parents.
इज द गार्डन स्मॉल और बिग? इज द गार्डन स्मॉल और बिग? द गार्डन इज स्मॉल एंड ब्यूटिफुल. द गार्डन इज स्मॉल एंड ब्यूटिफुल. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम सम फ्लावर्स विच इज इन सारास गार्डन. नेम सम फ्लावर विच इज इन सारास गार्डन. ओके, देयर आर रोज, लिली एंड सनफ्लावर इन सारास गार्डन. रोज, लिली एंड सनफ्लावर इन सारास गार्डन. ओके, हु टेक केयर ऑफ सारास गार्डन? हु टेक केयर ऑफ सारास गार्डन? द ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ सारा हेल्प टू सारा टू टेक केयर ऑफ द गार्डन. ग्रैंड फादर हेल्प हर take care of the garden and she also helped to her grandmother to give the plants to give the water to plants. So this is all about the comprehension passage. ये आपको it's kind of small passage, एक छोटा सा passage होगा. Okay, then at the end we will give you some questions and you have to choose the right answer from the given passage. आपने क्या करना है? Right answer choose करना है. If आपको If you know the way how to attempt the question, how to attempt the answer, तो आप इससे क्या करेंगे, इस पैसेज को केयरफुली कर पाएंगे. ओके ओके, अगेन मैंने आपको बता दिया, इट्स ऑल अबाउट द पैसेज. ये एक छोटा सा पैसेज था एंड इट्स ऑल देयर क्वेश्चंस. आपने क्वेश्चन भी देख लिया, आपने पैसेज भी देख लिया. नाउ यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस ऑन योर रफ कॉपी. आपने क्या करना है कि इस पैसेज से देख लें, इट्स अ पैसेज, यू हैव टू टेक द आंसर फ्रॉम दिस गिवन पैसेज एंड राइट द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस इन योर रफ कॉपी. ओके, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा. सारस का गार्डन और उससे रिलेटेड पैसेज, ये एक जो है पैसेज फॉर योर प्रैक्टिस. जब आप स्कूल आएंगे देन वी विल गिव यू अगेन दिस काइंड ऑफ पैसेज एंड यू हैव टू अटेम्प्ट दिस. सो It's for you. Do the homework and read the passage.